आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, इसका हर खबर से। और साथियों फिर कहता है, आज तो मैं कहना चाहता हूं, अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं उसके बारे में कि इसको टिकट मत दो, इसकी जान जब हो जाएगी। इसने रात रात में तार लगवा दिए उस ग्राम सभा की जमीन और कल से पटसन पर छोड़ रहा है कि जिसने ग्राम सभा की जमीन पे तार लगवाए हैं मैं उसका पुतला फूंकूंगा। अरे तार भी तू लगवा दे, पुतला भी तू फूंक दे। अरे रेडियो सूर्यस्थान, तूने क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया। ये चाहता था एनडीएफ के कंपनी के लोग मेरे लड़के को एमडी बना ले कंपनी के अंदर। हमारे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों आज की जो महापंचायत है उसका उद्देश्य ओजोन है। मुझसे पूर्व काफी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और बड़ी कई बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही। जैसे हमारे मीठेपुर के प्रधान है, हमारे बुजुर्ग है, मुझे याद है उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी कोर्ट में, अपने घर से पैसा भी लगाया, ये सच्चाई। परंतु दुर्भाग्य हमारा रहा कि हम सोचते थे कि ओजोन इन लोगों ने हटवा दिया है और जो सरकार ने हमारी कॉलोनी पास करी है उनमें नहर पार की सारी कॉलोनी पास हो जाएंगी। परंतु साथियों आज मैं कहना चाहता हूं बड़े अफसोस के साथ, हमारी नहर पार की कॉलोनी पास वाली लिस्ट में नहीं है, क्योंकि कॉलम नंबर 7 पे लिखा हुआ है जो कॉलोनी ओजोन रिज में है या पूर्व विभाग की जमीन पर है उन कॉलोनी को पास नहीं करा जाएगा। साथियों ये ओजोन शुरू कहां से हुआ? हमने कुछ लोगों को फाइल भी दी है, आरडब्ल्यू के लोगों को, प्रधानों को, सबको ये बताने की बात है। ओजोन जब लगा, जब एमजीएफ कंपनी ने खड्डा कॉलोनी में आली के गांव के लोगों की जमीन खरीदी, वो जमीन थी 55 या 60 एकड़ जमीन। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ये विधायक था, ये चाहता था एमजीएफ के कंपनी के लोग मेरे लड़के को एमडी बना दे कंपनी के अंदर। लड़ाई यहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमने तो जमीन के पैसे दिए, हम तेरे लड़के को एमडी क्यों बनाए? एमडी का मतलब है सीधी हिस्सेदारी, करोड़ों की प्रॉपर्टी इसको नजर में आ रही थी। इसने जानबूझकर उन लोगों के साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर भी कठोराघात किया। इसने सोचा कि जो जमींदार हैं, जिनकी यहां पर जमीन है 1 किला 2 किला 4 किला है, अगर ये भी ओजोन में आ जाएगी तो इनसे मंथली आराम से उगाई जा सकती है। एक जमींदार की नाड़ को पकड़ूंगा, 10 जमींदार आके मुझे घुटने टेक देंगे। इसका उद्देश्य सेवा नहीं है, ना जिंदगी में इसने सेवा करी है। इसका उद्देश्य है तुगलकाबाद के किले में से आता है और यह झूठ बोलकर चुनाव जीतने के बाद
जनता को लूटने का काम करता है दलालों के माध्यम से। इसने कभी विकास नहीं करा, अगर विकास करा हो तो मैं इस मंच के सामने चैलेंज कर रहा हूं, आज आरटीआई का जमाना है, आप लगाइए आरटीआई। एक कॉलोनी ऐसी नहीं जिसको राम सिंह ने रोड और नाली और बिजली और पानी ना दिया हो। आए मेरे सामने बताए, नहर के ऊपर पुल आपने देखा, जब आपने मुझे दो बार बनाया दोनों बार पुल मैंने बनाए। आपने एनटीपीसी की दीवार को देखा, मैंने भारत सरकार से एनटीपीसी की दीवार को हटाकर वहां रोड को चौड़ा करने का काम किया। उसके अलावा जहां दिल्ली का कूड़ा डालने थे वहां मैंने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाने का काम किया। जहां आप कहते बिजली, ये व्यक्ति एमएलए रहा शुरू में, ये दो फिल्टर नहीं ला पाया सरिता विहार से। मैंने चुनाव में कहा था अगर मुझे मौका मिला तो 6 महीने के अंदर बिजली नहर पार आपको नजर आएगी, और मैंने 6 महीने के अंदर नहर पार बिजली भिजवाने का काम किया। साथियों, विकास की बात करता, ये व्यक्ति एक नंबर का चिटर है। इसने कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया। 29 अक्टूबर को गजट केंद्र सरकार ने जारी कर दिया, उस गजट में लिखा हुआ है कॉलम नंबर 7 पर कि ये कॉलोनी पास में नहीं है, रिज की हो, पूरी तरह की हो और ओजोन की हो। साथियों, फिर भी आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हुई, सारे एरिया में होर्डिंग लगे हुए हैं ओजोन से मुक्त हो गए, मनोज तिवारी जिंदाबाद, लड्डू लाओ, सारे लड्डू महंगे कर दिए नहर पार के साथी। कितना बड़ा था, लाखों आदमी की आंखों में धूल झोंक दी इस आदमी ने। अगर हम नहीं चौकस होते तो ये अब भी लड्डू बांट कर फिर आपको लूट कर ले जाता, तुकड़ाबाद छोड़ता नहीं आपको, और हम लटके के लटके रह जाते जहां लटके पड़े थे। साथियों, आप हमसे धोखा कर रहे, जनता से धोखा कर रहे। जो जनता हमें चुनती है, जो जनता हमें बनाती है, अरे बेशरम, उनकी आंखों में धूल मत झो। ऊपर वाले से डर, शैतानी छोड़ दे, इसने हमें धोखा दिया। 5 तारीख को लड्डू ढोल बजवा दिए कि सारी कॉलोनी पास हो गई है, ओ जॉन खत्म हो गया है। साथियों, फिर 15 तारीख को एक फोटो आता है दैनिक जागरण में, हम डीडीए में मिले, हम वहां मिले, हमने कहा ये फिर लोगों को धोखा दे रहा है। साथियों, जो है वो जोन लगवा रहा है, क्या वो जोन हटाने का काम कर सकता है? आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी से बनाया था एमएलए, सरकार कांग्रेस की थी, परंतु मैंने कांग्रेस के साथ मिलकर इस ओजोन को समाप्त कराकर दम लिया, तो मैं बैठा नहीं। साथियों, ये व्यक्ति, जब ये लोग कहते हैं कि एनडीटी में 15 में मामला खत्म हो गया, तो केंद्र में सरकार किसकी थी? आप 15 से 19 तक क्यों चुप रहे? क्या आपकी जानकारी में नहीं था कि क्षेत्र ओजोन में है? क्या आपने कोशिश करी कभी ओजोन के बारे में हटवाने के लिए? 4 साल का आपके पास समय था, आपने कोशिश करी? नहीं करी, और ना आज कोशिश कर रहा है। साथियों, ये काम अगर ये व्यक्ति ईमानदारी से करता तो एमएलए को, एमपी को साथ लेके जाता और ये काम समाप्त हो जाता, परंतु ये ओजोन को खत्म नहीं कराना चाहता। हम आपसे कह रहे हैं, अगर हमें मौका मिला, किसी पार्टी की सरकार हो, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो क्षेत्र के विकास को रोके, जो हमारे भाई बहनों को लूटने का काम करे, जो हमारे लोगों को छलावा करके लूटे, साथियों, हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है। और वो लड़ाई आपके बलबूते पे लड़ी जा सकती है। अगर आपका साथ रहा इस बार तो लड़ाई बहुत आसान है, अब के दोबारा ये मूल उठा के देखेगा नहीं। साथियों, अगर एमएलए लड़े तो तुकड़ाबाद से लड़े,
फिर तो काउंसलर भी वहीं से लड़ेगा। इतनी विडंबना है, क्या क्षेत्र में नौजवानों की कमी है? अगर ये तुगलकाबाद से लड़के देखे, ये 8 बजे गिनती शुरू होंगी, 8:15 बजे इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। सब लोग जानते हैं इसको, आपकी जिम्मेवारी है, ये धोखेबाज है। अभी मैं कल की वाक्य आपको बताता हूं, मैं फिर इस लिस्ट को पढ़ूंगा। कल एक जगह अपने लोग भेजकर ग्राम सभा की जमीन में तार लगवा दिए, ये कल का वाक्य है। अपने आदमी से रात रात लगा के, ये मैं मंच पे कह रहा हूं, विष्णु प्रधान जी बैठे बीठेपुर के जुवार आदमी, अगर राम सीना जीवन में झूठ बोलता है या मेरी नाक कट जाए, मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता। अगर गलती करी है तो मैं कह दूंगा मैंने गलती करी है। साथियों, इसने रात रात में तार लगवा दिए उस ग्राम सभा की जमीन में, और कल से व्हाट्सएप पर छोड़ रहा है कि जिसने ग्राम सभा की जमीन पे तार लगवाए हैं, मैं उसका पुतला फूंकूंगा। अरे तार भी तू लगवा कर, पुतला भी तू फूंकेगा? अरे रेडियो झूठी स्थान, तूने क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया। अगर ये व्यक्ति न होता, अच्छे से मंजिल हमारे मकान होते, कोई हमें रोकने नहीं आता, ना कोई हमें टोकने आता। साथियों, ये जानबूझकर इस आदमी की शरारत है। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं। अभी एक नरसिंह शाह का प्लॉट था, हेलो, इस टंकी रोड, मैं तो यार इधर आ गया हूं, वो इसके लोगों ने ले लिया। हाँ, इसके 3 चमचे हैं, शुक्ला है, अरुण राय है, सेल यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चला जा घर दे। ये इसके कंप्लेंट के जॉन के इंचार्ज है, घर इन्होंने मेरे घर उसकी कंप्लेंट कराकर उस जमीन को सील करा दी, मेरे घर ले जा। और फिर कितने पैसे मांग रहे थे? 1 करोड़ रुपए। ये सेवा का काम है, और जबकि वो व्यक्ति इसी के सपोर्टर है, ये मैं मन से कह रहा हूं, उनसे 1 करोड़ रुपया मांगा कि 1 करोड़ भर जाओ और चले जाओ। साथियों, को साधारण व्यक्ति है ये, जिन लोगों का नुकसान पहुंचाता है उनकी कंप्लेंट कर उनसे जिंदाबाद करवाता है। और जो हेमचंद जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसका अपना प्लॉट था टंकी रोड पर, 3 बीघे जमीन थी नाले के साथ, ये भागा क्यों? किसने सोचा ये तो सब ओजोन में डूब गए और तू भगले, तू निकल जा, हेरा फेरी करके उस प्लॉट में मुझे देगा। अरे मैंने कहा बेईमान का प्लॉट है, इसे बेको, हमने तो बेच दिया हो तुरंत। तो साथियों, ये व्यक्ति को साधारण व्यक्ति नहीं, इसका अपना जमीर नहीं है, ये किसी पार्टी का सगा नहीं है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक एक आदमी इस बात को लोगों को समझाए कि सावधान रहो, नटवर लाल आ चुका है, सावधान रहो, नटवर लाल आ चुका है, सावधान रहो, झूठे लड्डू बटवा देगा, सावधान रहो, झूठे ढोल बजवा देगा, सावधान रहो, रात को तार खिंचवा कर ड्रामा खड़ा कर देगा, सावधान रहो, 2 महीने आपने सावधान रहना है। और अब के इसकी सावधानी निकाल देनी है। अगर आप लोगों की कृपा रही और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, ये दोबारा मुड़ के यहाँ देखेगा नहीं, और जनता को ओजोन से बाहर कराया जाएगा। मैं साथियों कुछ RW के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मैंने विस्तार से बता दिया आपको, ओजोन लगा क्यों। 28/9/1913 में जब मैं विधायक था, 2013 जब मैं विधायक था, तो आप सब लोगों को याद होगा, हम सब लोग कमलनाथ जी के पास गए थे, याद है, तमाम लोग बहुत बड़े तादाद में हम गए, और मंत्री जी ने हमारी बात सुनकर, सज्जन कुमार जी भी थे और जो नेता आज उसके साथ घूम रहे वो भी थे। हमने ओजोन से एफजोन में करा दिया, आपने देखा होगा किसी ने किसी का काम नहीं रोका, सब लोगों ने मकान बनाए, परंतु इसने ओजोन का सर्वे DDA द्वारा 2005 में किया गया, ये बड़े चुपचाप तरीके से इसने कराया। जिस वक्त इसका सर्वे हुआ, उस वक्त क्षेत्र का विधायक
ये रेडियो झूठिस्तान ही था। कानो कान किसी को भनक नहीं लगने दी इस व्यक्ति ने। दिनांक 21/8/2006 को डीडीए ने जन सूचना जारी कर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 ओजोन में शामिल है, पर सबसे पहले सुझाव पर आपत्ति मांगी थी। उस वक्त के विधायक रेडियो झूठिस्तान ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि यह वह समय था जिस समय आपत्ति दर्ज करवाकर ओजोन को रोका जा सकता था। अगर ये उस टाइम ऑब्जेक्शन लगा देता 2006 में, तो ये हम पे लग नहीं सकता। इसने जानबूझकर आपत्ति दर्ज नहीं कराई और जानबूझकर हमें धकेला। और साथियों, मुझे कोई डर नहीं है, अजय माकन से मिलकर ये सारा खेल इसने किया जो कांग्रेस का मिनिस्टर था, वो हमारे शहरी विकास मंत्री था उस टाइम, उससे जानबूझकर उससे बात करके इसने कराया। फिर से आरंभ हो गया, तब कोई पुलिस किसी को रोकने नहीं आया, खुलेआम मकान बनाए जाने लगे। हमने अपने क्षेत्र को ओ जोन से एफ जोन में कराने का आदेश प्राप्त भी कर लिया, पूरा क्षेत्र खुश हो गया। एक महीने में हजारों मकान क्षेत्र में बनाए गए। इसी में मैंने दिनांक 24/10 को एक पत्र जिसका नंबर 5486 लिखकर डीडीए का धन्यवाद किया कि आपने हमारे क्षेत्र को जोन से बाहर कर एफ जोन में कर दिया। वो चिट्ठी पेज नंबर 11 में देखे जो मैंने सरकार को धन्यवाद के रूप में लिखी। इस बात पर स्वयं जब मकान बनने लगे, चुनाव आ गए, फिर आपने देखा होगा ये पुलिस कमिश्नर को मिला गोगिया को, इसी बात से इसे हजम नहीं हुई। इस बात को जो मैंने कॉलोनी ओजोन से जोन में डलवाई, इस बात को भी इस बार रेडियो झूठिस्तान ने माना। उसने अपने फेस पर लिखा, जिसे उसने स्वीकार किया, 28/9/2013 को क्षेत्र से एफ जोन में कर दिया गया है। देखें इसको पेज नंबर 13 पे, जिनके पास फाइल है इसे देखें। श्री बिधुड़ी के पेट में फिर दर्द उठा। उसने सोचा ये तो राम सिंह चुनाव जीत जाएगा तो रह गया, ये तो ओजोन भी खुल गया। उसने क्या किया, 28/10/2013 को, इसका एक मित्र है जो पहले जनसत्ता में था, सरिता बिहार का, मनोज मिश्रा नाम का व्यक्ति, जबकि मनोज मिश्रा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मनोज मिश्रा से हमारा कोई नहर पार का कोई लेना देना नहीं है। वो इसने सारा पैसा वकीलों में, बड़ा वकील इसने किया, और इसने उसी महीने 28/10/2013 को एनजीटी में अर्जी लगा के डीडीए के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे लगा दिया। और तब से आज तक क्षेत्र में जो कहते हो ओजोन में हम लोग परेशान हैं। मनोज तिवारी से, जो मनोज मिश्रा से, अगर ये व्यक्ति मनोज मिश्रा को क्यों लेके गया, अगर ये मनोज मिश्रा को से कंप्लेन नहीं डलवाता एनजीटी में, तो हम तो उसी के बाहर होंगे। इसको समझ, इसने फिर समझा, अरे ये लोग तो बच गए, इनको फिर फंसा दो, और इसने हमें फिर फंसा दिया। 28/10/13 को एनजीटी में अर्जी लगाकर पूरे क्षेत्र में पुलिस की नाकेबंदी करा दी। अफीम तो आ जाए, ईट और सीमेंट रोड़ी पुलिस नहीं आने देती थी, चारों तरफ जाम लगा दिया पुलिस ने, आपने देखा होगा सब भाई बहनों ने। जानबूझकर इसने फिर करा, और इसने फिर 13 पास नहीं होगी। साथियों, उसके अलावा जब 29/10/19 को भारत सरकार ने अपने गजट में नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया कि ओजोन क्षेत्र की कॉलोनियों के पास नहीं होगी, उसे पढ़ने के बावजूद भी, जबकि इसने वो कागज पढ़ लिया था कि कॉलोनी पास नहीं होगी ये नहर पार की, 3/11/19 को फिर इसने फेसबुक पर डाल दिया कि ओजोन हटाने का धन्यवाद, बल्कि 15/11/19 को सौरभ बिहार लवकुश चौक पर, 5/11 लवकुश चौक पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी को गुमराह कर उनसे भी ओजोन को ओजोन करवा दिया।
नारे लगवा दिए, पूरे क्षेत्र में लड्डू खरीदवा खरीद कर वहां बंटवा दिए खुलेआम जनता को। अभी हमारे क्षेत्र में ओजोन में है और इसके एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है, ये व्यक्ति सब इसके बारे में जानते हैं। यही व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पूरे क्षेत्र को खड्डे में धकेल सकता है। अब जैसे इसका पता लगेगा, इसकी पोल खुल गई है, जनता जागरूक हो गई है, फिर दिखावे के लिए व्यक्ति डीडीए के अधिकारियों को मिलकर ये झूठी फोटो खिंचवा रहा है, दौड़ धूप करके दिखा रहा है। ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को बनवा दूं, परंतु मेरी भी कंपनी वालों से बात हुई है। वो कंपनी वाले कहते हैं हमारी सारी जमीन चली जाए, हम इस डाकू को एमडी नहीं बनाएंगे, इसके लड़के को। साथियों, हमने पंचायत इसलिए बुलाई है, अभी हम वो जोन में हैं, हमारी दिल्ली में पास हो गई, हमारी नहर पार की मोड़बंद कॉलोनी पास हो गई, परंतु हम पास की लिस्ट में नहीं है। और ये व्यक्ति ढोल बजाकर लड्डू बांटकर हमको क्यों गुमराह कर रहा है, इसकी मंशा क्या है, ये लाखों आदमी को धोखा जो इसने दिया है ये क्यों दिया, ये सोचने का विषय है। ये जनता सोचे कि आदमी आज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा इसने क्यों किया। साथियों, मैं आपको साथ तमाम प्रधान बैठे हैं, उसका उद्देश्य कुछ नहीं है। अगर ओजोन खत्म हो जाए, इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये चुनाव लड़ने नहीं आएगा यहां पर। ये तो जब तक ओजोन है तब तक मलाई के लड्डू मारता रहेगा, एक के तुड़वाएगा, 10 से पैसे अटेगा, इसका बिजनेस है, ये कमा के खाया नहीं इसने, इसने जो साम्राज्य इकट्ठा किया है वो लूट और खसोट से किया है। साथियों, उसके बाद देर है, अंधेर नहीं है, इसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं साथियों एक वादे के साथ, मेरी कई नेताओं से बात हुई है, अभी इसमें 2-3 महीने हमारी कार्रवाई में लगेंगे। अगर आप सब लोग कहें हमें 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए, अगर सरकार ने इसको 2-3 महीने में नहीं करा तो हम और आप पूरी क्षेत्र की जनता, जैसे कमलनाथ के वहां गई थी, इस बार भी जो केंद्र के हरदीपपुरी सरदार जी है उनका घेराव कर देंगे और तब तक वहां से नहीं आएंगे जब तक हम ओ जोन से एफ जोन में नहीं डाले जाएंगे। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।